सिटिंग एमपी भारतीय जनता पार्टी के, पार्टी ज्वाइन करें कांग्रेस पार्टी, आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है। तो मुझे भी किसी का अहंकार तोड़ना है और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापिस पाना है। सर, किसी को फांसी की भी सजा होती है तो उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। सर, मेरा आप टिकट काट रहे हैं, आपने मुझे एक बार पूछा भी नहीं, सीधा सीधा मैंने अखबार टीवी में देखा कि मेरा टिकट कट गया, तो कहीं से न्याचित नहीं है सर। पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है सर। ये चुनाव जो है धनबल बाहुबल का नहीं है, जनता के बल का है। तो जिसका जनता सम्मान करेगी, जिसको प्यार देगी, जिसको समर्थन करेगी, चुनाव वही जीतेगा। जी, अखिलेश जी, प्रभारी मोहन जी, पवन खेड़ा जी और शीर्ष नेतृत्व का आभार, खासकर माननीय राहुल जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए। मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ और पार्टी कैसे मजबूत हो, कांग्रेस कैसे मजबूत हो, उस पर मैं दिन रात काम करूँगा। वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जी सर, मैंने पूछा था तो उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया कि आपका सर्वे रिपोर्ट गलत था। तो मैंने बताया कि मैं 4,10,000 वोट से चुनाव जीता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपका वोट तो है नहीं, सब ऊपर वाले का वोट है। तो मुझे भी किसी का अहंकार तोड़ना है और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापिस पाना है। जी, मजबूत सिपाही के तौर पर थी, आज आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और इस वक्त कर रहे हैं जब आपको टिकट डिनाई हो गया, तो क्या यही वजह है जिसकी वजह से आपको कांग्रेस की आइडियोलॉजी? सर, किसी को फांसी की भी सजा होती है तो उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। सर, मेरा आप टिकट काट रहे हैं, आपने मुझे एक बार पूछा भी नहीं, सीधा सीधा मैंने अखबार टीवी में देखा कि मेरा टिकट कट गया, तो कहीं से न्याचित नहीं है सर। सर, आप सब समझ रहे हैं ना? सर, सब समझ रहे हैं ना? पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है सर। ये चुनाव जो है धनबल बाहुबल का नहीं है, जनता के बल का है। तो जिसका जनता सम्मान करेगी, जिसको प्यार देगी, जिसको समर्थन करेगी, चुनाव वही जीतेगा। और जो ये लोग जो अहंकार फैला रहे हैं, खासकर सोशल मीडिया में जो जो भी कॉमेंट करते हैं, गंदे कॉमेंट करते हैं, सबका जवाब जनता देगी, शांति से देगी। आपको रोज तो हम कुछ ना कुछ लाकर पेश कर रहे हैं, आगे आगे देखिए, बहुत कुछ होने वाला है। आजकल साहब 24 घंटे जाग रहे हैं, जानते ना कौन है साहब जो 24 घंटे जाग रहे हैं? जो पहले 18 घंटे जागते थे, अब वो 24 घंटे जाग रहे हैं, इतने चिंतित हैं। आपकी प्रश्न बड़ा अच्छा है। आपकी जो जिज्ञासा है बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमारा समझौता हुआ है उस पर हाईकमान का की सहमति और स्वीकृति के बाद होता है, ठीक है। अब अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो फिर हाईकमान उस पर फैसला लेगा, ठीक है। तो 4 में तो अभी 48 घंटे बाकी हैं। अजय जी, कल आप राहुल गांधी से मिले तो क्या उन्होंने आपको हरी झंडी दे दी है, जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी झंडी दी, क्या चुनाव लड़ने की भी हरी झंडी दी है? और एक अखिलेश जी से सवाल है कि सर, सीसी हुए 2 दिन हो चुके हैं, बिहार से लेकर दिल्ली तक इंतजार हो रहा है 3 सीटों पर कैंडिडेट के ऐलान का, तो वो कब तक हो जाएगा? पहले आंसर कौन करे वो आप तय करिए सर। सर,
माननीय राहुल जी से मैं मिला था, 10 मिनट की चर्चा हुई थी, तो उन्होंने पूरे कांग्रेस के विजन को हमको समझाया था कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता रही कि जो हमारे पिताजी का विजन था, पिताजी भी हमारे वंचित समाज की राजनीति करते थे जो सबसे दबे कुचले के थे, तो माननीय राहुल जी भी अब वही कर रहे हैं, और आने वाला समय में जैसा कि उन्होंने सभी भाषण में भी बोला है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार आएगी सभी जगह हम जातीय जनगणना कराएंगे, और उस हिसाब से जितनी भागीदारी होगी, जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी तो हम करेंगे। तो ये सब चीज़ अच्छा लगा। और जहाँ तक ये जो आप बोल रहे हैं, बड़े लोग से कभी भी बात की जाती है तो ये सब की चर्चा नहीं की जाती। अब अखिलेश जी आप नहीं, नहीं हम जानते हैं, भूलेंगे भी तो घर तक जाके पूछेंगे। तो नहीं, सीसी हो गया है और आपको मालूम है 4 तारीख अंतिम डेट है, आज 2 तारीख हो गया है, तो हो जाएगा, आपकी जिज्ञासा आज खत्म होनी चाहिए।